हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अंकिता और फिर से हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। ये वीडियो है एक फूड रेसिपी वीडियो, तो चलिए शुरू करते हैं इसे। इसे देखने के बाद तो आप सभी सोच रहे होंगे ये तो साबूदाने की खिचड़ी है जो हम सब बनाते हैं, लेकिन इस रेसिपी में एक ट्विस्ट है जो आप आगे वीडियो में देख सकेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लगेंगे जिन्हें मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले साबूदाना, 2 बड़े टमाटर लगेंगे, आलू लगेगा, ये आपके ऊपर है आप जितना डालना चाहें। मुझे तो इसमें काफ़ी सारे अच्छे लगते हैं। 1-2 बड़ी प्याज हैं, हरी मिर्च, और है जो हमारा ट्विस्ट है वो है ये करी पत्ता या मीठी नीम या जो भी आप कहते हैं इसे। सबसे पहले कढ़ाई में या पैन में आप तेल गरम कर लें, रिफाइंड या देसी घी आप किसी में भी बना सकते हैं इसे। सबसे पहले ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पे जीरा और सरसों या राई, जो भी आप इसे कहते हो। जीरा और सरसों के बाद हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें डालकर भूनना है, तो वो ऑलरेडी अपने आप काफ़ी भुन जाती है एंड तक। अब हमने यहाँ पर डाल दी है प्याज जो हमने लंबी लंबी काट कर रखी हुई है। इसे भी गोल्डन ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा इसे भी फ्राई नहीं करना है। और गाइस, ये जो साउथ इंडियन टेस्ट का जो साबूदाना खिचड़ी है ये बहुत अच्छा लगता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे करी पत्ता और इसको इस स्टेज पर डालते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छिटकता है अगर आप इसे स्टार्टिंग में डालेंगे तो। बस इसे भी थोड़ा सा ही भूनना है, पकाना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन या डार्क नहीं करना है। अब हम ऐड करेंगे पोटैटोज और इन्हें हमें थोड़ी देर तक पकाना होगा क्योंकि इन्हें पकने में पूरी तरीके से टाइम लगता है। और प्रोसेस को फास्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर दूंगी। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसे लिड लगाकर थोड़ी देर पकाएंगे जिससे आलू पूरी तरीके से अच्छे से पक जाएगा। हमारा आलू पूरी तरीके से पक चुका है, आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पर मूंगफली ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप बाद में भी इसे ऐड कर सकते हो। अब हम ऐड करेंगे टमेटोज जो हमने पहले से कट करके रखे हुए हैं, इन्हें भी हमें तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरीके से गल ना जाए। हमारे टमाटर भी पूरी तरीके से पक चुके हैं, तो अब बारी आती है साबूदाना ऐड करने की। तो हम साबूदाना को ऐड करके और नमक डाल के फिर उसे अगेन लिड लगा के पकाएंगे जिससे कि ट्रांसपेरेंट हो जाए साबूदाना और अच्छे से गल जाए और हमारी जो साबूदाना की खिचड़ी है विद साउथ इंडियन ट्विस्ट वो कंप्लीट हो जाएगी। आप चाहें तो इसे गार्निश कर सकते हैं कोरिएंडर से यानी धनिया से। वैसे मैं तो नहीं ऐड करती हूँ इस वाली साबूदाना की खिचड़ी में धनिया, क्योंकि इसमें मुझे जो करी पत्ते का अरोमा या टेस्ट आता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप चाहे ऐड कर सकते हैं या उसे छोड़ भी सकते हैं, और इसमें लेमन जूस भी आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो चुकी है हमारी खिचड़ी विद साउथ इंडियन ट्विस्ट। आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे, प्लीज़ इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा बनाकर। जिसका अनदर वर्जन बनता है जो हम फलाहारी खिचड़ी बनाते हैं व्रत में, उसका टेस्ट तो हम सभी को पसंद है, बट आपको ये वाला टेस्ट भी जरूर पसंद आएगा, तो इसे ट्राई करना मत भूलिए। तो दोस्तों, अगर ये ट्विस्ट आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर कर लीजिएगा। इनमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि अब से मेरे वीडियोस आएंगे हर मंडे और थर्सडे को, तो स्टे ट्यून्ड। मैं आपसे मिलूंगी जल्द ही नए वीडियो में, तब तक लव यू ऑल, बाय बाय।